हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5 स्ट्यूनेस की। इसमें क्वेश्चन नंबर होगा आपका आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो है 3 फ्रॉम सेक्शन एफ। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज एज फॉलोज। फाइंड कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन मेथड एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। बहुत सिंपल सम है, ठीक है। मार्क्स दे के रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, हमें सिर्फ फॉर कार्ल पियर्सन मेथड को यूज करके कोफिशियंट फाइंड करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर टेबल। इन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ कॉलम ऑफ मार्क्स, देन फ्रीक्वेंसी। Here frequency denotes number of students. Then frequency, this distribution is continuous frequency distribution. For that we have to find mid value. So here x is denoted as mid value. Then उसके बाद difference, क्योंकि यहाँ पे shortcut method use करना पड़ेगा to find the mean. So for that we are using difference. Then f into d, then f d square. एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वाई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मोड है वो यहाँ पे 38 कंसीडर करेंगे हम, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो मोड है। जब भी क्वेश्चन में दो मोड अवेलेबल हो तो हम मोड का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर दैट वी हैव टू यूज मीडियन। ओके, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और जो टेबल है वो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये है मीडियन का फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं। मिड वैल्यू, सिंपल सा फॉर्मूला है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिल जाएगी मिड वैल्यू। तो डायरेक्ट यहाँ पे सबसे पहले होगा 5, देन कंसीडर करेंगे तो सब में जो क्लास लेंथ है वो 10th की है, तो आप मिड वैल्यू में 10 प्लस करते जाओगे तो भी आपको डायरेक्ट वैल्यूज मिल जाएगी। तो ये था आपका मिड वैल्यू। अब बात करते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला होगा x माइनस अज्यूम मीन डिवाइडेड बाई c। यहाँ पे डिवाइडेड बाई c लेने का एक ही रीजन है, ताकि हमारी वैल्यूज कम से कम आ सके। सो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे अज्यूम मीन है, उसको हम कंसीडर करेंगे 35, ठीक है। इसको हम अज्यूम मीन कंसीडर कर लेंगे, देन 5 माइनस 35 दैट इज 30, वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो उसको हम उस नंबर से डिवाइड कर लेते हैं जिससे हमें सिंगल डिजिट नंबर मिला। तो लेट्स टेक c इज इक्वल टू 10। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू 35 एंड c इज इक्वल टू 10, तो हमें अब वैल्यू अच्छे से मिलेगी। 30 बाय 10 दैट इज माइनस 3, यहाँ पे आएगा माइनस 2, यहाँ पे आएगा माइनस 1, यहाँ पे 0, प्लस 1, प्लस 2, ओके। अब f इंटू डी, दैट मीन्स दिस कॉलम एंड दिस कॉलम को हमको मल्टीप्लाई करना है, 15 माइनस 24 माइनस 38, 0, 20 एंड 7 इंटू 2 दैट इज 14, ओके। तो ये हो गई एफ डी। अब एफ डी स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो है इस कॉलम में d को अगेन मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 45, यहाँ पे 24 इंटू 2 दैट इज 48, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, देन 38, 0, 20 एंड 28। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, प्लस करते जाना है, तो सबसे पहले 5, देन 5 प्लस 12 दैट इज 17,
17 प्लस 38 दैट इज 55, 55 प्लस 38 दैट इज 93, 93 प्लस 20 दैट इज 113, देन 120. नाउ वी हैव टू मेक अ टोटल. सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का हम टोटल करेंगे, दैट इज समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 120. आपका समेशन ऑफ सिग्मा सिग्मा एफ मस्ट बी इक्वल टू लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉलम. ठीक है, ये होना चाहिए, तब जाके आपका फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है उसकी कैलकुलेशन सही है. ओके, अब सम करेंगे एफ डी का. सिग्मा एफ डी एंड हियर सिग्मा एफ डी स्क्वायर टोटल इज माइनस 43, हियर टोटल इज 179. ओके, सो वी हैव प्रिपेयर द टेबल. टेबल बना लिया है हमने, अभी जस्ट क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूलाज में, देन हमें आंसर मिल जाएगा. ए की वैल्यू क्या थी, हमने वहां पे लिखी हुई है 35. सिग्मा एफ डी दैट इज माइनस 43, माइनस में तो ब्रैकेट में लिख दो. एन इज इक्वल टू 120 एंड सी इज इक्वल टू 10. तो ये था हमारा, कट हो जाएगा 35 माइनस 43 बाय 12, 35 माइनस 43 बाय 12 इज इक्वल टू 3.58 एंड द अल्टीमेट आंसर इज अवर 31.42. ओके, ये आपका मीन की वैल्यू है. अब मीडियन फाइंड करना है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन क्लास फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो वैल्यू ऑफ एन बाई टू ऑब्जर्वेशन दैट इज एन इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई टू दैट इज वैल्यू ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 16th ऑब्जर्वेशन क्या होगी यहाँ पे वो देखनी है. 120 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 60th ऑब्जर्वेशन. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको देखना है कि कौन सी वो रेंज है जहाँ पे 60 फॉलो हो रहा है. तो के यहाँ पे 55 एंड 93 के बीच में 60 फॉलो हो रहा है एंड वी आर कंसिडरिंग द हायर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 93, और 93 के अगेंस्ट पे जो क्लास दिया हुआ है वो हमारा मीडियन क्लास होगा. तो देयरफॉर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 30 to 40. ओके, चलिए अब वैल्यूज पुट कर देते हैं फॉर्मूलाज में. लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास दैट इज 30 प्लस एन बाय टू वी नो 60. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कंसीडर करनी है कौन सी, दैट इज प्रीवियस वन दैट इज 55. ओके, अभी हमने अप फ्रीक्वेंसी जो अपॉन में दी हुई है हमें वो कंसीडर करनी है मीडियन क्लास की, तो कौन सी है 38. इंटू 10 सॉल्व करेंगे, फिफ्टी अपॉन 38 दैट इज 1.32. सो आवर अल्टीमेट आंसर फॉर मीडियन इज 31.32. सो हियर वी गेट द आंसर. ओके, अब स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे. फॉर्मूला रहेगा आपका
रूट ओवर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन होल स्क्वायर इंटू सी. ओके, सिग्मा एफ डी स्क्वायर दैट इज 179 अपॉन 120 माइनस सिग्मा एफ डी दैट इज माइनस 43 अपॉन 120 होल स्क्वायर इंटू 10. सॉल्व करेंगे 1.49 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.36 होल स्क्वायर इंटू 10. पॉइंट 36 का स्क्वायर 1.2, राउंड ऑफ करेंगे तो 1.3 आंसर आएगा. At the end, our answer is 11.68. Okay. तो ये था आपका स्टैंडर्ड डेविएशन. वी हैव फाइंड 11.68 इज आंसर. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू इन कैलकुलेशन कोफिशियंट, दैट इज एस जे इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम अपॉन एस 3 ब्रैकेट. एक्स बार की वैल्यू है 31.42 माइनस मीडियन की वैल्यू है 31.32. ओके, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 11.68. 3 मल्टीप्लाई बाय 0.10 अपॉन 11.68. और अल्टीमेट आंसर विल बी 0.026. ओके, द आंसर इज इन पॉजिटिव, सो वी कैन से दैट दिस इज अ पॉजिटिवली स्क्यूड. ओके, तो अल्टीमेटली हमें कंक्लूजन देना होगा. पॉजिटिवली स्क्यूड, तो ये पूरा आंसर था हमारा. हमने सबसे पहले टेबल बनाया, देन अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फॉर्मूलाज वी हैव प्रिपेयर द कॉलम्स इन टेबल, देन वी पुट द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल इन फॉर्मूला. ओके, तो अल्टीमेट हमें आंसर मिल गया. बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, सबसे पहले मीन फाइंड करना है, देन मीडियन फाइंड करना है. ओके, और मीडियन कब फाइंड करना है, अगर हमारे पास मोड दो मोड अवेलेबल है तब जाके हम फाइंड करेंगे मीडियन. ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, देन आफ्टर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी मेंशन होगा वो मेथड यूज करके स्क्यूनेस फाइंड करना है. ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम सेक्शन एफ. थैंक यू.